माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने से आप सूर्य की किरणों को अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं और शरीर में ऊर्जा आती है और विटामिन डी की कमी पूरी होती है। बहरहाल बात कुछ भी हो, लेकिन नागपुर वासियों ने उत्तरायण के पर्व पर जमकर पतंगबाजी की, जहां नीला आसमान पतंगों के रंग में रंग गया था। मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य उत्तरायण होता है। इस दिन दान दक्षिणा का विशेष महत्व होता है। इस दिन देश भर में पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। कई कई तो इस दिन पतंग उड़ाने की बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है, जिसकी होड़ में नागपुर भी कुछ कम नहीं है। आज मकर संक्रांति के पर्व पर नागपुर वासियों ने जमकर पतंगबाजी का लुत्फ उठाया है। जहाँ काट पोछे और ओक काट की गुण से माहौल संक्रांतमय हो गया है। पतंग को खुशी, आजादी और शुभता का संकेत माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाकर एक दूसरे को खुशी का संदेश दिया जाता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका खास महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की किरणें शरीर के लिए अमृत समान मानी जाती है। इससे विभिन्न तरह के रोग दूर होते हैं, जिसके महत्व के मद्देनजर बाजारों में भी बड़ी मात्रा में पतंग बिक्री देखने को मिली है। वही बड़े, बूढ़े और बच्चे आदि सभी ने पतंगबाजी का लुत्फ उठाया है, जहां नीला आसमान पतंगों के रंग बिरंग गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ मनीष डिमरी की रिपोर्ट।